ये देखिए, ये मठ है, मठ के सामने लिखा भी है यहाँ गाड़ी खड़ा करना सत्य मना है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। और इधर आप देख सकते हैं लंबे कतार में जिस तरह स्टैंड में गाड़ी खड़ा होती है, लोग आने जाने वालों को कितनी दिक्कतें हैं, इसका विचार करें। और दर्शनार्थी हमें हमारे आपके रहिए, देखिए इधर दर्शनार्थी जा रहे हैं, इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका प्रशासन विचार करे, इस पर जल्द कार्रवाई करे। हर हर महादेव। तू जाए नाम पे नहीं आ जा सकल है, ये कई लाइन में लगे रही है। अब आदमी दूसरा लाइन कहाँ से जाए? एक तो संकरी गलिया, संकरी गलिया। हाँ, मैं फिर हर हर महादेव भैया, मैं बनारस से पवन शर्मा, मनगंगा घाट से। हम यहाँ पे अभी इस विषय पे बात कर रहे हैं कि जो ये सब वाहन खड़े हो रहे हैं, ये समझ लीजिए कि देखिए गेट नंबर 3 के ठीक बाहर हम खड़े हैं, और यहाँ पे मोदी जी का और योगी जी डायरेक्ट यहाँ पे हमेशा हर महीने में 4 बार यहाँ पे आ रहे हैं, मोदी जी भी कभी कभी आ रहे हैं। लेकिन ये कहने का मतलब है कि यहाँ की व्यवस्थाएँ जो है अधिकारी नहीं समझना चाह रहे हैं, यहाँ के जो छोटे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो अपना काम नहीं करना चाह रहे। गलियों में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ये तो सबसे बड़ा दोष हमारी गलियों में कि इतने हज़ारों लाखों यात्री हमारे गलियों में आ रहे हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ गलियों में पूरी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। 100 यहाँ पे जो बॉडी आती है, डेड बॉडी, उनको जो है वो रास्ता पूरा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसी में ट्राली है, उसी में सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकारीगण कोई भी रोड पर खड़ा होकर काम करने की इच्छुक नहीं है। और ये इतनी गाड़ियों का यहाँ पे रेला हो गया है कि यहाँ पे हम आप 2-4 बिना हुए घर परिवार को लेकर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है गुरु, इन गलियों में से बहुत ही ज़्यादा ये दुर्गम स्थिति है। और ये अधिकारीगण अगर कोई भी हमारी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हो, तो ये गलियों में जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, जो चौक से मनकंका घाट या गेट नंबर 3 से लेकर पूरा घाट तक, ये पूरा नीलकंठ एरिया में ये जो गलियों में गाड़ियों का जो ये रेला है हजारों गाड़ियों का, ये समझिए 200-400 आदमी के कारण पूरे लाखों लोगों के जो यात्री आ रहे हैं हमारे यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, या हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं, या हमारे जो बाहर से 100 यात्री आए हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा असहज स्थिति पैदा हो जाती है कि यार राह में धक्का मुक्की करना पड़ता है, या जाम में 100 भी फंसे रहते हैं। ये सिर्फ हमसे नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे, आप 10 मिनट खड़े होंगे आपको धक्का लगने लगेगा। इसलिए हम कहेंगे भैया, कोई भी अगर अधिकारीगण मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि इस विषय को थोड़ा सा बहुत ही सीरियस ले, क्योंकि ये आने वाले सीएम हैं। और विकट, आप जानिए कि 9 वर्ष का ये समय है, ये 25 से 9 वर्ष के बीच में हजारों लाखों की संख्या में यात्री आ रहे हैं कहाँ कहाँ से, और मोदी जी के और योगी जी के साख पे क्या बट्टा लगेगा ये आप जानिए। और हम यही कहेंगे, फिर दोबारा कहेंगे कि ये गलियों में जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है 2-4 बार पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से कि इस विषय को ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा इसका जो है द्वेष आप लोगों को झेलना पड़ेगा, और इसका बदनामी पूरे संसार में हो रहा है। कोई भी आके बनारस वाले को जो है आशीर्वाद दे के नहीं जा रहा है, हर कोई गाली दे के जा रहा है। और ये गाली सिर्फ हमको नहीं लग रहा है, योगी जी को भी लग रहा है, मोदी जी को भी लग रहा है, यहाँ के प्रशासन को सबसे ज़्यादा लग रहा है। और ये प्रशासन यहाँ का ध्यान दे। हर हर महादेव। भैया शंभुनाथ उपाध्याय नाम है, नीलकंठ पे रहते हैं हम। जी, किस तरह का दिक्कत परेशानी कर रहे हैं? दिक्कत तो इतनी है कि कोई पेशेंट घर में अगर बीमार है तो निकलने का जगह नहीं, इतनी गाड़ियां लगाते हैं, इतना बड़ी मंदिर बन गई और कॉरिडोर वो पार्किंग का कोई जगह नहीं बना है, कर्मचारी इनके इतने हैं, पुलिस वाले हैं, मैंने हद हो गई है, मन कर रहा है कि मैंने फांसी लगा ले आदमी की, क्या करे, घर में रहे, घर से निकले ना, रास्ता बंद है, पूरी गाड़ियाँ लगा के रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आए दिन घटना भी होता है क्या? बिल्कुल घटना होता है, चोट लगता है, बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, यात्री भी गिरते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ गाड़ी ना लगे, इसकी कहीं और व्यवस्था करें लोग, गली हम लोगों की खाली हो, आने जाने में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। कहाँ का मामला है ये? यहाँ का बनारस का नीलकंठ क्या कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर का मामला है। गेट नंबर 3 है। मैं वीर चंद्र मिश्र, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का अर्चक। गेट नंबर 3 पर ये गली है, और लाखों यात्री प्रतिदिन मणिकर्णिका स्नान करने के बाद विश्वनाथ दर्शन को इधर से जाते हैं, और प्रत्येक दिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि भैया यहां गाड़ी ना खड़ा करें, लेकिन प्रतिदिन वो कहते हैं कि गुरुजी 10 मिनट यहां खड़ा करेंगे फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, 10 मिनट में यहां गाड़ी खड़ा करूंगा उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। उसके बाद वो सीधे 8 घंटे बाद आते हैं, और मैं फिर दोबारा उनसे कहता हूं तो कहता है कि ये गली आपकी नहीं है, ये सरकारी गली है। लेकिन उस माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से मेरा यही निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करें।
अब प्रतिदिन यात्रियों को यहाँ चोट चपेट लगता है। अभी कल एक 80 वर्ष की बुजुर्ग गुजरात की थी, उनके उनके पेट में साइकिल का रॉड चला गया, जो अभी भी वो साइकिल अवस्थित है वहाँ। लेकिन उनको कहने पर वो कहते कि मैं विश्वनाथ धाम में कार्यरत हूँ। अब भैया वो विश्वनाथ धाम का नाम ले लेते तो उसमें हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि ये व्यवस्था उनकी है, उनकी व्यवस्था। वो खुद इस प्रकार का करें कि यात्री आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसका विचार करें वो।